Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स बाबू में। मैं आज आपके लिए 31 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आज है 31 जनवरी और हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के 8 क्वेश्चन हैं हमारे आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस IFS अधिकारी को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इनकी कजाकिस्तान में किसको भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए सही, सुभदर्शनी त्रिपाठी IFS अधिकारी है ये। इनको कजाकिस्तान में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% का वेट को कम किया है, 2% वेट को कम किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर 2% वेट को कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग भौगोलिक संकेत पहचान प्राप्त किया है? तो GI टैग चावल के लिए GI टैग प्राप्त करने वाला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चावल के लिए GI टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला राजदूत मिस्र में भारत का राजदूत है अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है छठवा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र को $1.5 लाख की घोषणा किसने की है? तो वो की है भारत ने। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में आलोचनाओं के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री गुसेप कोंटे किस देश के हैं? तो वो है इटली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो क्या है भारत। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का शो जिसमें 8 क्वेश्चन पढ़े हमने। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।